गांधीवादी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दुनिया भर में अहिंसा पर ट्रेनिंग्स दी हैं। राजगोपाल जी का जन्म 1948 में केरल के एक गांव में हुआ और जयप्रकाश नारायण व सुब्बाराव जी के साथ मिलकर उन्होंने चंबल घाटी के डाकुओं के आत्मसमर्पण में भूमिका निभाई। राजगोपाल जी एकता परिषद नाम के भूमि अधिकार आंदोलन के सह संस्थापक हैं। वह महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय शांति मार्च जय जगत 2020 के सह संस्थापक हैं। हालांकि ये मार्च कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पदयात्रा के रूप में रुक चुका है, राजगोपाल जय जगत का संदेश अन्य और तरीकों से आगे बढ़ाने के प्रयास में सक्रिय है। अगर आप अपने बचपन से लेकर अब तक सोचें, तो क्या आपके अनुभव थे जिसके कारण आपको अहिंसा में रुचि हुई? आजादी के तुरंत बाद जन्म हुआ, एक गांव में जन्म हुआ, तो हमने पॉवर्टी को बहुत करीब से देखा। कितना स्ट्रगल करके एक माँ 5 बच्चों को पाल रहे हैं, खास करके आपके पिताजी हाइडी में हो और फ्रीडम मूवमेंट से बाहर निकला हो। अभी कोई भी आए कुछ भी मांगने के लिए मैं उठा के दे देता था, और वो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी इन द फैमिली दैट आपने कैसे दे दिया, 2 ही नारियल था आपने दोनों नारियल उठा के दे दिया। व्हेन आई लुक बैक दिस इज हाउ इट ऑल बिगैन, एन इंटरेस्ट फॉर सपोर्टिंग पीपल हु सफर वन काइंड ऑफ पॉवर्टी, वन काइंड ऑफ वायलेंस, मेनली क्रिएटेड बाई द सोसाइटी। क्योंकि उस समय भी जमींदारी सिस्टम, और आप जानते हैं कि मेरे ही गांव में उस समय कम्युनिस्ट मूवमेंट का उदय हुआ, और कम्युनिस्ट मूवमेंट का उदय क्या हुआ, वो जाकर बड़े बड़े गोदाम तोड़ते थे और चावल और धान उठा के सबको बांटते थे, एंड गोली चला, 5 लोगों की मृत्यु हुई। तो मेरा प्रारंभिक एजुकेशन हुआ बाल मंदिर से लेके ऐसा एजुकेशन हुआ, तो वो एक सर्वोदया गांधीयन एटमॉस्फेयर में हुआ, और जहाँ सर्वधर्म प्रार्थना रोज होता है, श्रमदान रोज होता है, कम्युनिटी लाइफ रोज होता है, और जाति धर्म का कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग भाई बहन हैं। तो एक प्रकार वो जो लाइफ शुरू से गांधी के नज़दीक ले आए, गांधी और गांधीयन वे ऑफ लिविंग उसके नज़दीक आए। फिर मैं जब आर्ट स्कूल में चला गया कथकली सीखने के लिए, तो 4 साल पूरा वो एक कथकली इज़ ऑल अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, एक लाइफस्टाइल में आ गया जहाँ फिर और गहराई से महसूस होने लगे कि एक नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल अच्छा है। कथकली सीखते सीखते दी गुड एंड इविल वाला जो आइडिया है वो गहराई में अंदर आया। देन यू नीड टू प्रमोट द गुड एंड यू नीड टू रियली फाइट द इविल विदिन यू आउटसाइड, तो वो उसका असर रहा। तो मुझे लगता है कि ये 3 जो दौर है, बचपन में गांधीयन स्कूल में पढ़ने का, फिर उसके बाद ये पूरा ही कथकली और आर्ट रिलेटेड स्कूल में पढ़ने का, फिर उसके बाद फिर कमिंग बैक टू सेवाग्राम, और 20 साल तक वो फॉर्मेशन हो चुका था ऐसे मैं मानता हूँ, कि आई स्टार्टेड स्ट्रांगली बिलीविंग इन एंड नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन किया नहीं। 1969 में जब इन्विटेशन आया कि अब बापू के ट्रेन लेके हम पूरे देश में घूमने जा रहे हैं, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटर गेज ट्रेन और ब्रॉड गेज ट्रेन अलाउ किया, जिसमें एक कंपार्टमेंट में मोहन, वो कैसे धीरे धीरे महात्मा हो रहा है, एंड द डेथ ऑफ गांधी। सो ये 10 कंपार्टमेंट में पूरा सजा हुआ था मोहन से महात्मा, एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू बी ए वॉलंटियर 1 साल के लिए। तो ये करते करते चैलेंज आया, ये जो एक्सप्लेन करते करते बच्चों ने ये पूछा, देखने वालों ने ये पूछा कि तुमने किया है कुछ या तुम सिर्फ कहानी बता रहे हुआ, ऐसे ऐसे बच्चे तो होता ही कि आर यू ओनली टेलिंग ए स्टोरी और हैव यू डन समथिंग लाइक दिस, तो अखरने लगा धीरे धीरे दैट यू आर रिपीटिंग लाइक ए पैरट वॉट गांधी डिड हैविंग नथिंग टू से वॉट आई डिड। तो जब ये जो यात्रा समापन में सुब्बाराव जी ने पूछा कि चंबल जाने के लिए कौन तैयार है, चंबल घाटी में उस समय डाकुओं का बहुत
बहुत ज़्यादा वायलेंस था। तो फिर मैंने कहा मैं जाने को था। तो वैसे फिर रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ शुरू हुआ। सो मच टेरर कि कोई मूव नहीं कर सकते थे। 5 बजे के बाद सब दरवाजे बंद हो जाता था। किडनैपिंग, किलिंग, काउंटर किलिंग। पर फिर वहाँ आश्रम शुरू किए, तो वहाँ है शुरुआत जहाँ मैं प्रैक्टिकली, जहाँ नॉन वायलेंस को करने लगा और सीखने लगा, करने लगा। वो तो जोरा है, चंबल घाटी का एक गांव, बहुत ही छोटा गांव। एक दिन रात को डाकू आए, हाथ पैर बांधे, पूरी तरह पीटा, मारा, वार्निंग दिया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे वगैरह। तो दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस बिगैन, कि रियली फेसिंग वायलेंस एंड स्टिल नॉट वांटिंग टू रन अवे, और उसको और हिट बैक इन द सेंस डील विद इट। नाउ उस एज में वो होता भी है कि डील विद इट। तो उसमें फिर हम लोगों ने सोचा कि इस इलाके में सारे गांव सड़क से टूटा हुआ है, छूटा हुआ है, तो क्यों नहीं सड़क बनाए, सड़क बनाने का श्रमदान का आंदोलन क्यों नहीं शुरू करें। तो गांव के लोगों को इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या कि उनके गांव सड़क से जुड़ जाएंगे, और गाना गाते हुए इवनिंग शाम को सर्वधर्म प्रार्थना करते हुए, कल्चरल प्रोग्राम करते हुए, सप्ताह भर में सड़क पर ऐसे 13-15 सड़क बन गया। तो दिस बिकेम ए मोमेंट। वही समय था जब माधव सिंह विनोबा से मिलने गए। विनोबा जी ने उनको जयप्रकाश जी के पास भेजा। फिर जयप्रकाश जी ने चंबल घाटी में शांति मिशन का काम शुरू किया। एंड 1972 14 अप्रैल पहला सरेंडर हुआ। तो देन दी आश्रम केम इन टू द लाइमलाइट। तो ये सबके सरेंडर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, द होल डायलॉग प्रोसेस। इतने खूंखार लोगों से कैसे डायलॉग करोगे, जंगल में जाना, 3 बजे डायलॉग करना और उनको विश्वास में लेना। सरकार ने जब पूरे एरिया को पीस जोन घोषित किया तो पुलिस वालों के एटीट्यूड में भी काफ़ी फ़र्क आया कि इनिशियली पुलिस वॉज रेसिस्टिंग, ये कुछ नहीं होना है, लेकिन स्लोली पुलिस केम अलॉन्ग। उनको भी नॉन वायलेंस के वैल्यू समझ में आने लग गए कि करोड़ों खर्च करके कुछ समस्या समाधान नहीं हो रहा है, और ये कुछ लोग झोला टांग घूम रहा है और समस्या समाधान होगा तो क्यों नहीं। समर्पण हुआ। समर्पण के बाद जो इंटरेस्टिंग मामला था कि पूरा रिकंसिलेशन का मामला, कि जब डाकू अंदर चले गए, उस दुश्मन तो बाहर है, मौका मिलते ही मारने को तैयार है, विक्टिम्स के फैमिलीज को भी रिहैबिलिटेशन सपोर्ट देने की बात, कि इट इज़ नॉट ओनली द डकैट्स हु शुड रिसीव सपोर्ट फॉर रिहैबिलिटेशन सपोर्ट बट ऑल्सो द विक्टिम्स, ये लोगों को थोड़ा ठीक लगा, राइट। और पूरा एक रिकंसिलेशन प्रोसेस चला। अब अफ्रीका के रिकंसिलेशन प्रोसेस सब लोग सुन रहा है, साउथ अफ्रीका का, चंबल घाटी का कोई नहीं सुन रहा। चंबल घाटी में जिसको तथाकथित दुश्मन जेल में आ रहा है, वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहा है, आंसू बहा रहा है, गले लग रहा है, फॉरगेट एंड फॉरगिव का जो 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 सीन है वहाँ जेल के अंदर जो हो रहा था, वो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। आई मीन ये समर्पण अपने आप में एक बड़ी बड़ी कहानी है, लेकिन व्हाट आफ्टर, क्या हुआ उसके बाद। तो फिर और इसलिए आप देखेंगे कि चंबल घाटी के डाकू लोग जब जेल से बाहर आया, कोई नहीं मारा गया। उसके पीछे वो पूरा जो रिकंसिलेशन प्रोसेस जो जेल के अंदर चला, उसका बहुत बहुत महत्व है। दैट हैज़ डीपली अफेक्टेड मी। मेरे पूरे जो नॉन वायलेंस फॉर्मेशन में ये जो अनुभव है, दैट हैड अ डीप इम्पैक्ट। देन आई फाउंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट वायलेंस एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। बंदूक लिए हुए लोग बंदूक छोड़ रहे हैं, इसलिए हिंसा का पूरा माहौल से एक अहिंसा के माहौल में पूरा रीजन बदल रहा है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग। ये डायरेक्ट वायलेंस ख़त्म हुआ, लेकिन क्या इनडायरेक्ट वायलेंस ख़त्म हुआ क्या? वो पूरे रीजन में जहाँ आदिवासी लोग जी रहे हैं, उनकी सारी ज़मीन ताकतवर लोगों के हाथ में है। जो आदिवासियों का जो जीवन शैली है, उसके ऊपर खदान वालों का और बाकी लोगों का इतना इतना शोषण और प्रभाव है, इसको क्या ख़त्म कर पा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट वायलेंस डायरेक्ट वायलेंस की जननी है। एन अनजस्ट सोसाइटी विल प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वायलेंस। क्योंकि जब आप डाकुओं से बात करते हैं तो भी वो ही कहता है, मेरे माँ बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, मेरे ज़मीन
दबा के रखा. सो स्लोली यू रियलाइज दिस वायलेंस वॉज अ रिएक्शन टू दैट काइंड ऑफ अ वायलेंस. एक बात ये समझ में आ गया कि हर व्यक्ति के डिफरेंट साइड है. तो वायलेंट हो सकता है, लेकिन वायलेंट होने के बावजूद भी उनका एक साइड है जिसको आप टच करें तो यू कैन टर्न पीपल इनटू नॉन वायलेंस. एक तो वो कई पर्सनालिटी को कई ढंग से मैं एनालाइज करके कर सकता हूँ कि हाउ डिड दैट हैपन टू दिस गाय, हाउ डिड दैट हैपन टू द अदर गाय. इट इज़ नॉट द सेम वे, इट्स ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप बता रहे थे कि फिर चंबल के बाद आप नागालैंड. तो मुझे लगा कि जयप्रकाश जी ने वहाँ जो काम शुरू किया है कि यंग पीपल हैव टेकन टू आर्म्स, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस. जहाँ अनएम्प्लॉयड यंग पीपल हैव टेकन टू आर्म्स इन द नेम ऑफ फ्रीडम, तो उसको समझने का कोशिश किया कि हाउ डू वी ब्रिंग पीस. मैं आजकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी को देखता हूँ कि उदाहरण के लिए रायगढ़ में माइनिंग करने के लिए एक बड़ा कंपनी आ गए, तो आदिवासियों ने रेसिस्ट किया कि हम अपने ज़मीन नहीं देंगे. तो उन्होंने हरियाणा से 200-300 हट्टे कट्टे लोगों को लाया. कंपनी ने, दे वर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. उनको सबको एक मोटर बाइक, एक मोबाइल फ़ोन और 20,000-30,000 रुपया सैलरी. काम क्या है? आदिवासी से दस्तखत कराओ, वो पीट के दस्तखत कराओ, दारू पिला के दस्तखत कराओ, या थाने में फंसा के दस्तखत कराओ, लेकिन दस्तखत कराओ. इसको वो लोग क्या कहते हैं? वी आर ऑल एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी. एम्प्लॉयमेंट का काम क्या है? वायलेंस. सो अनलेस यू हैव वर्क, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दी एलिमेंट्स वुड लाइक टू वॉन्ट टू यूज़ यू फॉर वायलेंस विल यूज़ यू फॉर वायलेंस. इसलिए फिर मैं उस समय मध्य प्रदेश का उस हिस्से में छत्तीसगढ़ में आकर बस गया. वहाँ फिर युवाओं का प्रशिक्षण शुरू किया, गाँव गाँव में युवाओं को भेजने लगे, और उसको लेके काफ़ी रेसिस्टेंस हुआ. तो हंड्रेड्स ऑफ यंग पीपल कमिंग इन टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वापस जाने के बाद वो सब एक प्रकार का एक्टिविज्म करना अपने अपने गाँव में, अन्याय के विरोध में, शोषण के विरोध में, दमन के विरोध में चर्चा कर रहा है, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो रेसिस्टेंस बहुत हुआ, गवर्नमेंट से हुआ, फ्यूडल साइड से हुआ. यू बिकेम एन एलिमेंट बीइंग वॉच्ड बाय द स्टेट ऑल द टाइम. उस पर सफलता नहीं मिली. देन सून यू सेड दिस आर ऑल नक्सल सपोर्टर्स, क्योंकि दिस इज़ वेरी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स स्पीकिंग अबाउट लैंड, पीपल्स राइट कंट्रोल ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट एंड वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो आई एम स्पीकिंग ऑफ 1982-2000, वो 20 साल का. जो 20 साल का जब आप रेवोल्यूशनरी किस्म का माहौल देखते हैं तो उसमें अक्सर अहिंसा को रुकावट माना जाता है, उसको वीकनेस माना जाता है. बिल्कुल. तो उसमें आप ये इस सेंस में आपको क्या चुनौती? आई वाज मेनली ट्रेनिंग यंग पीपल हु नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल. तो द होल ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड इन अ वे थ्रू थिएटर, थ्रू डिस्कशन, थ्रू गेम्स, यू नो, थ्रू विलेज विजिट. तो वो पूरा रियलाइजेशन जो है कि पॉवर्टी इज नॉट गॉड मेड, पॉवर्टी इज मैन मेड. इफ इट इज मैन मेड, मैन कैन चेंज इट. तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, सोशो पोलिटिकल एनालिसिस हो, इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक समझ हो, देन यू टेक देम टू नॉन वायलेंस. यू नो द लास्ट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल एक्शंस नीड टू बी नॉन वायलेंट एक्शंस. तो उतना अगर तैयारी नहीं करेगा तो फिर तो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन से बाहर आने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि पीपल स्टार्ट रिएक्टिंग. और हम ऐसे एक माहौल में जी रहे कि बाकी सोशल मूवमेंट का नैरेटिव क्या है? अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ता है, है ना भाई? ये छीनने की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा डिबेट का भाग है, डिस्कशन का भाग है. और वर्ग शत्रु, वो सब वर्ग शत्रु है, क्योंकि हम आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहे. मैं सिर्फ एक गांधीयन फ्रेमवर्क में सबको डाल नहीं रहा, वो लोग बाकी लोगों के विश्लेषण को भी सुन रहे हैं, बाकी संगठनों के साथ भी उनका मिलना जुलना हो रहा है.
उसमें हमेशा ये वर्गशत्रु वाला छीनने वाला आइडिया आकर्षक लगने लगता है। एक मीटिंग में जब मैंने कहा कि ये सारे अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, और तो वो खड़ी होकर कहा, राजा जी अहिंसा अहिंसा बहुत हो गया, अब तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एंड देन दैट इनिशिएटेड ए डिस्कशन इन दी कैंप। आई रिमेंबर, सो क्योंकि वो शी वॉज गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस, सो होल्ड मांगिन बाई बस्तर से है, क्योंकि उसके बाद फिर वो पूरा डिस्कशन हो गया, पूरे ग्रुप में डिस्कशन हो गया। फिर उसके बाद अहिंसक तरीके से जीत का कई एग्जाम्पल्स लोगों ने प्रस्तुत किया, और हिंसक तरीके से काम करने से कितने लोग जेल में पड़ा है, डंडा कार है, उसके एग्जाम्पल्स दोस्तों ने प्रस्तुत किया, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा, द होल एटमोसफियर टू को एंड और मांगिन मान लिया, ठीक है, बढ़िया, हम हमारा रास्ता यही है जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो ये पूरे ही प्रोसेस में फिर लोगों को अनुभवों से समझ में आता है कि नॉन वायलेंट वे इज लॉन्ग लास्टिंग, नॉन वायलेंट वे इज एक्सेप्टेबल टू इवन पीपल ऑन द अदर साइड, नॉन वायलेंट वे में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकता है, नॉन वायलेंट वे से करने वाले काम में अपने ग्रुप के अंदर भी संतुष्टि होती है, क्योंकि दे फील दे हैव अचीव्ड समथिंग, इवन इफ दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, जितना अचीव किया उसके बारे में दे हैव हैप्पीनेस अबाउट व्हाट दे हैव अचीव्ड। तो उस प्रकार अहिंसा करते करते सीखा लोगों ने, और हमेशा मैं महसूस करता हूँ कि अहिंसा को भाषण से सिखाना मुश्किल है, अहिंसा को करते करते सीखना है, धीरे धीरे करते करते उसमें गहराई में विश्वास होना है, और जब आपको विश्वास होगा तभी आप खड़े होकर दूसरों को कह सकेंगे कि अहिंसक रास्ते से परिवर्तन संभव है। अभी जो देश में माहौल है, डू यू फील दैट देयर इज एन अपसर्ज ऑफ फेवरिंग वायलेंस और नेचर, उसको लेके बहुत चिंता है, ग्लोबली भी है, इंडिया में भी। तो मुझे लगता है कि एक फॉर्म ऑफ वायलेंस के बारे में रियलाइजेशन अच्छा है, दूसरे फॉर्म ऑफ वायलेंस के बारे में आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, इसलिए जो 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 आइकॉन है अभी जिनको जिनको सामने ला रहा है, वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा वायलेंस पर विश्वास करने वाले लोगों को सामने लाने की बात है। जहाँ पूरे इकोनॉमी उस मार्केट पर टिकी है, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये साबित करें कि वायलेंस इज बिगर देन नॉन वायलेंस। इसलिए गांधी को रेडिकुल करो, गांधी के विरोध में अभियान चलाओ, उनके एक सिस्टमैटिक प्रयास हैं कि युवाओं को अपने पास अपने तरफ आकर्षित करें, क्योंकि मसल पावर अच्छा है और दादागिरी ठीक है और हिंसा सही है, इस पर विश्वास अगर कहीं कदम हो जाए तो देन दे आर गॉन। और अहिंसा के लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई उसको प्रमोशन करने वाला नहीं है, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई उसके लिए मिनिस्ट्री नहीं है, तो दिस इज़ रियली ट्रेजेडी आई टेल यू। भारत जैसे देश में भी जहां अशोका, बुद्धा और महावीर और महात्मा गांधी है, वहां भी वी डोंट फील द नीड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑन नॉन वायलेंस। अभी मैं आर्मेनिया गया तो दे आर डूइंग रिसर्च ऑन रूट्स ऑफ वायलेंस एंड रूट्स ऑफ नॉन वायलेंस। सी, वायलेंस को आप एक बिजनेस मान लीजिए, वायलेंस एक मार्केट मान लीजिए, और वो मार्केट पर बिजनेस पर विश्वास करने वाले लोग जब ईमानदारी से अपने काम में लगे हैं, यहाँ जो नॉन वायलेंस को एक रास्ता मानने वाले लोग नहीं लगे हैं, और जहाँ लगे हैं वहाँ सफलता है। अब आर्मेनिया का प्रधानमंत्री कैसे चुन के आ गए, पाशान अगर चुन के आ गया तो वो उनको समझ में आ गया पदयात्रा का मतलब क्या है, अहिंसात्मक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एंड ही लिसन टू इट वेरी केयरफुली, और उसके बाद उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दिया। आई मीन ही इज ऑल्सो समबडी हु वांटेड टू प्रैक्टिस, और वहाँ के नौजवान लोग इतने गर्व महसूस करते हैं अभी, वो कहता है कि एक ग्लास पैन तक टूटा नहीं सर इस बार, और सत्ता परिवर्तन हो गया। एक क्या? ग्लास पैन, एक एक विंडो भी नहीं टूटा, और यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया। और नॉन वायलेंस को समझने सीखने की इतने रुचि, हर सभा में वो कहता है कि हमको नॉन वायलेंस पर और बताइए। इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, पूरे भूदान क्या है, भूदान आंदोलन क्या है, जब उन्होंने कहा, विनोबा ने कहा, कत्ल से भी हो सकता है, करुणा से भी हो सकता है, तो कत्ल का रास्ता छोड़ो, करुणा के रास्ता में आओ।
लोगों ने कहा कि ये तो दकियानूसी है, ये तो बिल्कुल एंटी रेवोल्यूशनरी है, लेकिन 42 लाख एकड़ जमीन आदमी करुणा से प्राप्त कर लें और लैंड रिफॉर्म्स का पूरा एक एजेंडा अपने हाथ में ले लें, अमेजिंग इज़न्ट इट। तो मुझे लगता है कि हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम ये सारे माहौल दूसरों को छोड़ दिया। ये जो एंटी नॉन वायलेंस वालों को, वायलेंस सही है साबित करने वाले लोगों को छोड़ दिया, और हमें लगा कि ये भाषण से ठीक नहीं होगा, इसलिए 2007 में 25,000 लोगों को लेके, 2012 में 1 लाख लोगों को लेके, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था लुक दिस इज़ पॉसिबल, राइट। 2007 में जब सड़क में एक्सीडेंट हुआ, 3 लोगों की मृत्यु हुई, लोगों ने कहा कि अब 25,000 लोग रोड ब्लॉक करेंगे और सब गाड़ियों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, एंड दे कुडंट बिलीव 25,000 पीपल सिटिंग एंड मेडिटेटिंग वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब ऑफिसर्स को भी आश्चर्य हो गया, कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू ट्रेन पीपल टू डू दैट, नहीं। फिर उसके बाद पुलिस वाले अपने पुलिस को हमारे साथ भेजने लगे करके कि इनको भी ट्रेन कराएं कि, तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो अनुभव है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे तो भारत में बहुत संभावना है। हमारे DNA में क्या है, हमारे DNA में नॉन वायलेंस है, इसलिए 150 वर्ष महात्मा गांधी के मनाते मनाते अगर इसको दे दिया तो आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा जी थैंक यू, आपने आर्मेनिया से, यू आर कनेक्टिंग विद अहिंसा कन्वर्सेशंस। दैट वाज एक्जेक्टली द टाइम व्हेन द वाघा बॉर्डर गॉट क्लोज्ड, सो वी वर नॉट एबल टू वॉक टू पाकिस्तान, सो वी डिसाइडेड टू वॉक टू सेवाग्राम। सो दिस वाज ए 4 months वॉक फ्रॉम दिल्ली टू सेवाग्राम। But what we did was interesting, that we got a delegation to go to Nepal and a Nepali delegation to go to Pakistan. So we wanted to cover all these areas and we did that. And that was also the time when there was this conflict between America and Iran. And so it was difficult to take a larger delegation to Iran. So we decided to take a high level, powerful delegation, a small one, to Iran. So we were in Iran for a month, traveling through some 4,000 kilometers through major cities of Iran. And the Indian embassy also supported very well in this process. We visited a peace museum in a city called Isfahan. We were very happy to see the peace museum and the way they are using this peace museum to promote peace and peace education. From a peace education point of view, from a Gram Swaraj point of view, from a Sufism point of view, you have a lot to connect with Iran. And I think in the coming years, one important effort that we should make is to connect with Iran, because people really need peace. You know, every place where we went, they said, look, as we all know, state may behave differently than people. Like in India, we have a people-to-people process between Pakistan and India. State may come, or state may not come at the moment. They will come much later. But today, there is a real effort from Iranian people to build peace and also to project them as people who love non-violence, love peace. So how do we help that process in the Middle East is a very important challenge. Rajaji, you are currently in Armenia, where the current president of Armenia is a person who has done your nonviolence training. Can you tell us a little bit about how you got to know him and what it feels like now to be visiting a country where the president is a graduate of one of your courses on nonviolence? So the Prime Minister, Nikol Pashinyan, is an old friend, yeah. I mean, rather than calling him a trainee, a good friend, influenced by our discussion as well, our suggestions as well. And I think he took lessons from Dandi March. You know, they mentioned Dandi March while they were walking through the country. You know, this idea of, it's a strange idea for a country like Armenia, that someone start walking through the country to mobilize people, and long march
as a base for mobilizing people. So he used that, drawing inspiration from the Dandi March, inspiration from all the discussions that we had. So people are very proud here about the nonviolent revolution. And what is different between India and Armenia is in India, though we had a nonviolent revolution and freedom struggle, we left it there. We said, okay, we got freedom from violent struggle, and we didn't pursue that beyond a freedom struggle. Here, immediately after freedom was achieved, young people have to nonviolence. Now they are speaking about nonviolent. They are speaking about a nonviolent economy, nonviolent governance, nonviolent education. You know, it's like this not only achieving a kind of a change of power through nonviolent method, but then going beyond and then putting the whole governance system into a nonviolent framework is something very, very interesting. I think we failed. We had many opportunities in India, not only after Mahatma Gandhi, even when Morarji Bhai became Prime Minister, telling that this is a mini revolution, but we didn't go to the total revolution part, the socio-economic cultural side we left. So I think Armenia took the lesson from India, but then Armenia is going far beyond a change in state to change in system. Can you say a bit more here about the nature of the wake-up call that COVID-19 signifies in relation to nonviolence? In what ways is it a wake-up call in favor of nonviolence? The world was going a long way in the wrong direction in terms of promoting violence. The violence that we committed on nature, and we were facing this problem that the nature was challenging us, that climate crisis and the 10 years to go, all these slogans emerged because the way we behaved with nature. So the nature is trying to tell us, look, you need to be more nonviolent with nature. And our economy was very violent. And what you see on the road now, millions of people walking back in different parts of the world, is basically a statement. Look, you were driving this economy in a wrong direction, in a very violent top-down model economy. So we need to reorganize it. And people were losing connection with nature. And now this is also a call to say, look, you need to get back to nature. A new direction has come. And I think that direction is more about nonviolence, you know, a violent world order. So I think there's a lot to learn from this COVID-19 reality and redirect our world into a more nonviolent order. But now the idea was that if you get people control over land and livelihood resources back home, they don't have to migrate to cities. So we can also block this huge distress migration that is happening in the country. But as land reform is very slow in our country because of various reasons, especially because of globalization and the demand on land by companies and mining companies and factories and expansion of cities, etc. We believe now this cannot be only land and livelihood resources, but it should be land and labor. So bringing these two together as a force and a non-violent force that will have sufficient strength to redirect the policies of the state, because state may go back to business as usual. So you need a force to remind the state, keep pressure on the state. So organizing the Shram Shakti of India, to my mind, is very important. And application of non-violence in this large Shram Shakti mobilization, and through this Shram Shakti mobilization, putting pressure on the government not to go back to business as usual and to redirect the policy. So, because all these years we were speaking about four components of mobilizing people. We said the power of the poor, power of the youth, power of solidarity,
and power of nonviolence. If these four pillars are put together, you can have a large mobilization, good enough to pressurize the state to change policy. So this may be the time for countries like India, Brazil, Kenya, and Colombia, all these countries to try how to mobilize the Shram Shakti, the farmers and farm laborers and people who work, come together to force the government to create policies that will be more pro-people, what you call the people-centered development rather than material-centered and growth-centered development process. Yeah. Thank you so much.